राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग का श्लोक 8 देखेंगे। पहला चरण न अक्षर पूरा, न में अ मिक्स करेंगे, न तू मात्रा छोटी दीर्घ ना करें, न तू मा, मा के ऊपर है अनुस्वार, ये अनुस्वार है आधा म, माम, न तू माम, आधा म है ये, आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ा माम, श पूरा, क के नीचे हलंत, आधा अक्षर पूरे के साथ पढ़ा शक, य पूरा, य से, य से, य अक्षर पूरा है, य में अ मिक्स करेंगे, य से शक, य से। आगे द्र, इस चीज को आप इधर देखें, द्र यानी द है आधा, द के नीचे हलंत दिख रहा है और ये मात्रा है र की, र है पूरा, इसको पढ़ेंगे द्र, द्र, आधा श दृश, टू दृश, द आधा र पूरा है, र पूरे के साथ आधा श बोला है दृश टू, दृश टू। पहला चरण वापस, न तू माम शक यसे दृश टू, एक बार वापस, न तू माम शक यसे दृश टू। दूसरा चरण म, म पूरा है, पूरा अक्षर होते ही उसमें अ मिक्स करना है, म ने, म ने, फिर न है इस पर है ऐ की मात्रा, यहां पर ए की मात्रा थी अपने बोला ने, म ने, म पूरा बोलना है, मने नहीं बोले, म ने। अब यहां पर न पूरा है उस पर अ की ही नहीं, ए की मात्रा ना होके ऐ की मात्रा है, तो इसको बोलेंगे ऐ, नहीं व, नहीं व, व पूरा है, व में अ मिक्स किया, नहीं व, स आधा, व पूरा, स्व, स्व, व पूरा है ना, व में अ मिक्स किया है, स्व, च पूरा और क आधा, क के नीचे हलंत, इसको बोलेंगे चक, चक, श पर उ की मात्रा, चक्षु, शा, चक्षुषा, चक्षुषा। अब आप देखेंगे कि ये जो आधा क और शु है ये है क्षु, आप इसको राइट साइड में और अच्छे से देखें, क्ष इसका मतलब हुआ कि इसमें आधा क है, क के नीचे हलन और श पूरा है, यहां पर शु था क्षु, तो आपको यहां पर क आधा ऐसा कैसा रखना है और श पर उ की मात्रा लगानी है, ये आधा क और शु, इसको क्या कि हमने आधे क को पिछले वाले च के साथ लिख दिया और जो शु था उसको बाद वाले श के साथ लिख दिया, जिससे आपके लिए उच्चारण करना सरल बने, चक्षुषा। दूसरा चरण वापस, मने नैव, नैव, स्व चक्षुषा। अब पहला और दूसरा चरण साथ में पढ़ेंगे, न तू माम शक यसे द्रष्टु, मने नैव स्वचक्षुषा। अब तीसरा चरण, दी छोटी मात्रा लंबा नहीं खींचेंगे, आधा व, आधी अक्षर को पूरे के साथ पढ़ा दिव, य दिव्य, य पर ये है अनुस्वार, शब्द के अंत पर लास्ट वाले अक्षर पर है तो इसको पढ़ेंगे आधा म, दिव्यम, दिव्यम, आधा व इसके साथ बोल दिया दिव, ये आधा म है, ये आधे को पूरे के साथ इधर पढ़ लिया यम, दिव्यम, द, द पूरा है, द में अ मिक्स करेंगे, द दामी, द दामी, ते, च पूरा, क आधा, चक, वापस वही चीज है, क्षु वाली, आधा क च के साथ लिख दिया और शु के साथ विसर्ग, च
चक्षु चक्षु। अब ये है विसर्ग, ऊ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे हु, चक्षुहु चक्षुहु चक्षुहु। तीसरा चरण वापस, दिव्यम ददामि ते चक्षुः, वापस दिव्यम ददामि ते चक्षुः। अब चौथा चरण, प पूरा है आधा श है, आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ा पश, य पूरा है, य में अ मिक्स किया, पश य मे योग, पश्य मे योग, ग पूरा है ना, ग में अ मिक्स किया, योग म पर ऐ की मात्रा, मई श मई श आधा है ना, आधे को पूरे के साथ, ये ऐ की मात्रा को कैसे बोलेंगे, मई, इसको क्या बोला, नहीं मईश, व पूरा र पूरा और म आधा, तो व पूरा है तो व में अ मिक्स किया, व र पूरा है और म आधा है तो इन दोनों को साथ में पढ़ा रम वरम, मईश वरम। चौथा चरण वापस, पश्य मे योग मईश्वरम। अब तीसरा और चौथा चरण साथ में, दिव्यम ददामि ते चक्षुः, पश्यामि योगमैश्वरम्। एक बार वापस, दिव्यम ददामि ते चक्षुः, पश्यामि योगमैश्वरम्। यहाँ पर एक बात हम देखेंगे, ये जो नई व है, ये आप को अगर मात्रा नहीं समझ में आ रही है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं आपके गीता जी पर, न ई की मात्रा, नई व ये चीज बोल रही हूं मैं, नई व, आप ई लिख दोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ऐ की मात्रा ऐसे पढ़नी है, नई व। अब जैसे यहाँ पर ई की ये ऐ थी, म फिर इस मात्रा को पढ़ा ई, मई आधा श मईश, मतलब ऊपर जो मात्रा लगी हुई है उसको ई पढ़े, न ई नई व, फिर म ई मईश मईश, ठीक है। अब हम पूरे श्लोक का उच्चारण दो बार करेंगे, सभी लोग एक साथ करेंगे और धीरे धीरे उच्चारण सिखाया जा रहा है, आप लोग जरूर सीखें और ज्यादा से ज्यादा इसको दूसरे लोगों को भेजें, जिससे कि सभी लोग गीता जी का उच्चारण शुद्ध और बड़े सरल तरीके से सीख सके। न तु मम शक्यसि द्रष्टु मनि नैव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः, पश्यामि योगमैश्वरम्। एक बार वापस, न तु मम शक्यसि द्रष्टु मनि नैव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः, पश्यामि योगमैश्वरम्। वरम नारायण नारायण।